नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे तुलसी विवाह साल 2021 में कब है, शुभ मुहूर्त और महत्व। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इसे देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से उठते हैं। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास में शुभ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का शालिग्राम अवतार में विवाह माता तुलसी के साथ हुआ था। तुलसी विवाह 2021 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 15 नवंबर को सुबह 5:09 से प्रारंभ होगी, जो कि 16 नवंबर की शाम 7:45 तक रहेगी। तुलसी विवाह का महत्व। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने के साथ ही इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तुलसी पूजा में लगाएं ये चीज़ें। देवउठनी एकादशी पर पूजा स्थल में गन्नों से मंडप सजाया जाता है। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान कर मंत्रों से भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा की जाती है। तुलसी पूजा में भगवान को करें अर्पित। पूजा में मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, मूली, सीताफल, अमरुद और अन्य ऋतुफल चढ़ाए जाते हैं। ये थी जानकारी कि तुलसी विवाह साल 2021 में कब है और शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।